नमस्कार दोस्तों, मैं एमक्यू खान और आप देख रहे हैं गुना टाइम्स न्यूज़। और मैं अभी खड़ा हूँ भाई गल्ला रेलवे स्टेशन के पास, जो कि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए 15 अगस्त से सेकेंड डोज लेने वालों के लिए ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति दे दी है। और यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी काउंटर लेकर बैठे हुए, काउंटर बनाकर, जहाँ पर कि लोगों का पास, अपना आधार कार्ड और सेकेंड डोज लिया हुआ जो उनके पास सर्टिफिकेट है वो जाकर दिखाते हैं। और वो अधिकारी सर्टिफिकेट को स्कैन करते हैं, मोबाइल में ऐप है उस ऐप के जरिए, और स्कैन करके अगर मालूम पड़ जाता है कि नहीं इनका ये सेकेंड डोज लिए हुए हैं तो उनको लिख के देते हैं, और वो काउंटर पर जाकर उनको पास मिलता है। अभी हम इनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या क्या चीज़ दिखाना पड़ता है जिनको अगर पास लेना पड़ेगा? सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल डोज का, और आधार कार्ड का चाहिए। स्कैन करेंगे हम लोग सर्टिफिकेट, उसके बाद जो डिटेल्स आता है उसके ऊपर हम लोग स्टैम्प मार के देते हैं, फिर वहाँ से उनको जो पास उनका मंथली है वो उनको पेमेंट करके वहाँ से पास मिल सकता है। तो आप कैसे स्कैन करेंगे? हमारा मोबाइल में ऐप जो होगा, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके मोबाइल में ऐप है उस ऐप के जरिए से उनका जो सेकेंड डोज लिया हुआ स्कैन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि एक जन आए भी हैं अभी, वो फर्स्ट डोज ही हुआ, सेकेंड डोज कंपल्सरी है, लेकिन ये अभी फर्स्ट डोज ही लिए हैं। इसके लिए सर उनको बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ फर्स्ट डोज से नहीं होता है, सेकेंड डोज कंपल्सरी। तो अभी सर दिखाएंगे किस तरह से स्कैन किया जाता है, और करके इनको मालूम पड़ता है कि सेकेंड डोज लिए हैं कि नहीं लिए हैं। उन्होंने कभी लिया है, कौन से डेट को लिया है और कौन सा डोज लिया है, मतलब वो, हाँ, वो स्कैन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाता है वो पर्सन का नेम आएगा, उनका वैक्सीन कौन सा हुआ आएगा, कौन सी डेट को लिया हुआ। सर आपका नाम क्या है? ईशान यादव। आप ई वार्ड से? हाँ, ई वार्ड में। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट तो अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं जो सेकेंड डोज ले चुके हैं, जो लोग, जिनको मतलब यहाँ पर काउंटर बनाया गया है कि स्कैन करके मालूम पड़ेगा ये सेकेंड डोज ले चुके हैं, और काउंटर से जाके उनको पास मिलेगा। एमक्यू खान, गुनाटे। आईटीसीआर प्रमाण पत्र से संबंधित आया है।